हमारे हॉस्पिटल में आर्थोस्कोपिक सर्जरी, जिसको की होल सर्जरी कहते हैं या दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी सुविधा है। इसमें हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, डे टू डे की छोटे मोटे ट्रॉमा की वजह से जो लिगामेंट हमारे घुटने में, कूल्हे में, शोल्डर में या किसी भी जॉइंट्स में जो लिगामेंट टूट जाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। अब हम बात करते हैं घुटने के लिगामेंट के बारे में। हमारे घुटने में मेनली चार लिगामेंट्स होते हैं, जो कि लिगामेंट्स वैसे बहुत ढेर सारे होते हैं, बट मेन लिगामेंट हमारे चार होते हैं। ये साइड में कोलेटरस लिगामेंट्स होते हैं, जिसको मीडियल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये हमारे पैर को अंदर बाहर की तरफ सपोर्ट करते हैं। एक लिगामेंट होता है आगे की साइड में, जिसको एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट बोलते हैं, जो हमारे पैर को आगे जाने से रोकता है। पीछे की साइड में लिगामेंट होता है, जिसको पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट बोलते हैं, जो कि पैर को पीछे पीछे जाने को बैलेंस करता है। और ये आगे और पीछे लिगामेंट पैर के रोटेट होने को भी बैलेंस करते हैं। मेनली जो हमारी आर्थोस्कोपिक सर्जरी करती है, इन्हीं चार लिगामेंट के आसपास घूमती है, क्योंकि ये चार हमारे मेन घुटने के सपोर्टिंग लिगामेंट होते हैं। इन्हीं को, यही जब टूटते हैं तो हम इसको रिपेयर करते हैं। बाकी सारे जो छोटे मोटे लिगामेंट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हील कर जाते हैं, या उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम आज बात करेंगे कंधे के बारे में। कंधे की स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ही कॉमन है। कई बार आपने, मतलब आप देखते होंगे, आपके पास कोई स्पोर्ट्समैन आता है, बोलता है कि हमें ओवर थ्रोइंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है, हमें वेट लिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे कंधे में पेन होता है, या हमारा कंधा कई बार बैलेंस नहीं कर रहा है, लोड नहीं ले रहा है। कई बार हम कोई चीज़ हाथ की किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, हमें यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये क्या, कंधे में भी कई हमारी मांसपेशियाँ और लिगामेंट्स होते हैं जो कि फट जाते हैं एक्सरसाइज करते समय, स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ माइनर चोट लगने की वजह से। अगर हमारा कंधा हाथ उठाने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, पेन हो रहा है, इसको कंफर्म करने के लिए MRI, एक MRI जांच कराते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं हमारा कौन सी मांसपेशी, लैब्रम या क्या चीज़ हमारा टूटा हुआ है, या क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर कंधे में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या कंधा बार बार निकल जाता है, बार बार किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने की वजह से बार बार बाहर निकल जाए, तो उसको हम दूरबीन के द्वारा उसको रिपेयर करते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही आसान सर्जरी है। इसको सिर्फ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही कर सकते हैं, जिसकी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी है। और हमारे यहाँ रूटीनली ये सारे ऑपरेशन कंधे के दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन ये होते हैं।